आराम से आहिस्ता इधर बैठो, आराम से यहाँ आराम से बैठ। देख के मैं, अच्छा तुम यहाँ पे रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाती हूँ। अच्छा सुनो, खाने को कुछ दिल नहीं कर रहा मैं, बस बाहर जो फूल पड़े हैं वो अंदर रखते ना, धूप में मुरझा जाएंगे। फूलों की बड़ी टेंशन हो रही है तुम्हें? कभी सोचा था कि शहीर अहमद जैसा इतना चाहने वाला लड़का तुम्हें इतनी आराम से मिल जाएगा? वैसे वो भी दीवाना फिरता रहता है तुम्हारे पीछे। इसे मैं तुम्हारी तंज समझूं या तारीफ? समझना है तो फिर हसरत समझो, किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता। लगता तो वैसे मुझे भी बिल्कुल एक ख्वाब की तरह है। तो हकीकत लेकिन ख्वाब जैसी हसीन। अब उस मुजरिम के बारे में कुछ पता चला? शहीन ने कुछ बताया तुम्हें? हाँ सब बता दिया। क्या क्या बताया? यही कि मुलजिम ऑन स्पॉट पकड़े गए और आगे भी कार्रवाई होगी। और क्या बात है, तुम क्यों इतनी परेशान हो, सब खैरियत है? नहीं नहीं मैं क्यों परेशान होने लगी, अब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो पूछना तो बनता ही है ना। अच्छा खैर छोड़ो ये सारी बातें, तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे फूल लेके आती हूँ। हेलो जी, कौन? मैं सज्जाद बात कर रहा हूँ, शाहरुख फादर। जी अंकल कहिए, आपने मुझे क्यों फोन किया? इसलिए बेटा कि इस वक्त तुम ही शाहरुख को बचा सकती। मैं क्या कर सकती हूँ अंकल, शाहरुख ने जो किया है गलत किया और इसकी सजा उसे मिलेगी। बेटा हम बहुत परेशान हैं, उसकी बेल रिजेक्ट हो गई है, तुम कुछ भी करके किसी भी तरह से अपने घर वालों को मना लो वरना मेरे बेटे का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। नहीं अंकल मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मेरे घर वालों को पता चल गया कि वो मेरे क्लास में तो मुझे तो घर पे बिठा देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती मैं। तुम्हारी बहन तो बच गई है ना, तो तुम शाहरुख को बचाने के लिए कोशिश तो कर सकती हो। मैं ये तुम्हारा एहसान जिंदगी पर नहीं भूलूंगा, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी लेकिन कोई वादा नहीं करूंगी। अल्लाह हाफिज़।